हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ राउंड बन क्रिएट करने का एक न्यू वे, एक नए तरीके से आप राउंड बन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, पहले हम राउंड बन कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए जब भी आप डोनट का यूज़ करके जब राउंड बन क्रिएट करते हैं, ये देखिए ये है मेरे पास डोनट, यहाँ पे मेरे पास डोनट है। जब भी हम राउंड बन डोनट की हेल्प से क्रिएट करते हैं तो इसको हम कैसे करते थे, हम डोनट डालते थे इस तरह से, ठीक है, और डोनट डाल के अपने हेयर्स पहले डोनट को सिक्योर करते थे अपनी यूपिन की हेल्प से इस तरह से, और उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे। यानी कि जो पहले और अब में कितना फ़र्क आ गया है, क्या डिफरेंस आ गया है। हाफ पार्ट को ऊपर ले जाके इसे कॉम कीजिए और नीचे वाले हेयर्स को कॉम कीजिए, और कॉम करने के बाद आपने इन्हें फैलाना है इस तरह से, और फैलाने के बाद इसमें डालनी है एक रबर बैंड। तो ये है मेरे पास रबर बैंड जो कि मैं डोनट में डालूंगी, और इससे मेरे पास ये जो है बन क्रिएट होगा। इस तरह से हम राउंड बन क्रिएट करते थे, और ये जो हेयर्स हैं उन्हें इस तरह से टर्न करते थे सर्कुलर फॉर्म में, थोड़े थोड़े से हेयर्स लेके इस तरह से टर्न करते थे। इस तरह से टर्न करके ये जो हमारे हेयर्स हैं इनमें थोड़े थोड़े हेयर्स मिक्स करके चारों साइड से इसे इस तरह से टर्न करते हुए लेके जाते थे, और इस फॉर्मेशन में पहले जो है राउंड बन क्रिएट किया जाता था, ये वाली फॉर्मेशन, दिस वन, और इसे हम कर लेते थे सिक्योर अपने यूपिन की हेल्प से। तो इस तरह से जो है राउंड बन पहले क्रिएट करते थे, और इससे क्या होता था, कोई फॉर्मेशन नहीं बनती थी, ये वाली जो फॉर्मेशन पहले इस तरह से क्रिएट होता था लाइक दिस, और दूसरी साइड से ये वाली फॉर्मेशन रहती थी, यानी एक साइड डबल आ जाती थी और दूसरी साइड सिंगल रहती थी, इस तरह की फॉर्मेशन। तो ये जो है कोई प्रॉपर मैनर नहीं था बन क्रिएट करने का। लेकिन अब क्या वे आ गया है, अब थोड़ा सा चेंजमेंट आया है, लेकिन वो बहुत अच्छा चेंजमेंट है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ फॉर्मेशन तक पहुँचते हैं, रबड़ तक तो हमने ऐसे ही रखना है, रबड़ डालनी है अपनी एज इट इज़। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारे हेयर्स हैं ना इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड कर लें, आधे ऊपर ले जाएं और नीचे वाले नीचे ले जाएं। ऊपर वाले तो ऊपर रह गए, ये वाले देखिए ऊपर रह गए, और नीचे वाले नीचे रह गए। अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर वाले हेयर्स हैं ना आपने इन्हें अच्छे से कॉम करना है, अच्छे से कॉम कर लीजिए इनको। कॉम करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा फैलाते हुए इस तरह से इसको बिना फोल्ड किए, फोल्ड नहीं करना है, बिना फोल्ड किए इसे टर्न करना है इस तरह से, फोल्ड नहीं करना है, बिना फोल्ड किए इसे टर्न करना है इस तरह से, ये वाली फॉर्मेशन। और ये जो हेयर्स हैं आपके अंदर जाएंगे और इनको हम अपने यू पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नीचे वाले हेयर्स हैं, जब हमने ऊपर वाले हेयर्स को फोल्ड किया था हमने इस साइड से किया था, लेकिन जो ये साइड वाले हेयर्स हैं इनको हम इस साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरे वाले साइड से, ऑपोजिट डायरेक्शन से इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से ले जाकर ऊपर से लेके जाएंगे और साइड में ले जाएंगे लाइक दिस। और अगेन जितना फोल्ड आपका आता है उतना फोल्ड आपने रखना है, और इस फोल्ड को यहाँ पर जहाँ तक आपका आ रहा है वहाँ तक लीजिए, और इन्हें यू पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे, नीचे भी यू पिन की हेल्प से इन्हें अच्छे से सिक्योर कर देंगे। इस तरह से ये हो गए हमारे सिक्योर।
तो अब आप जो है इस तरह की फॉर्मेशन में बना के देखिएगा। इस तरह क्या होगा कि आपका ये जो फोल्ड है ना, ये वो नहीं होगा, यानी कि अनइक्वल नहीं होगा, दोनों साइड से इक्वल रहेगा। ये नहीं है कि इस साइड से फोल्ड आ रहा है और इस साइड से नहीं आ रहा, दोनों साइड से इक्वल फोल्ड रहेगा। तो ये डिफरेंस रहेगा पहले में और अब में, इतना फर्क आ जाता है। और जिससे कि ये इक्वल बंद लगता है उससे थोड़ा अनइक्वलनेस सी आती है। तो ये ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फर्क लगेगा। तो इस तरह से हम जो है वो बन क्रिएट करते हैं, राउंड बन। तो आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।